किसी की भी लाइफ में लव का क्या इम्पोर्टेंस है, आज बात करते हैं इसके बारे में। जरूरी है या वन वर्ड में यदि मेडिकल साइंस की भाषा में पूछा जाए व्हाट इज लव, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन इज द लव। एक सफिशियंट अमाउंट में यदि आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हो रही है तो केमिकली या फिर बायोकेमिकली इट इज़ लव। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि एक फीमेल की लाइफ में जब तक अनमैरिड रहती है फादर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इज वेरी केयरिंग लविंग, आफ्टर द मैरिज हस्बैंड, और जब बच्चे हो जाते हैं तो किसी भी फीमेल को अपने बच्चे से ज़्यादा लगाव दुनिया में किसी से नहीं होता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ऑक्सीटोसिन का फिजियोलॉजिकली रिलेशन एक फीमेल की साइकोलॉजी से। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथिक अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ढेर सारी लीक से हटके भी बातें होती रहेंगी और आप लोग इसे एंजॉय करते रहिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो बाकी लोगों से भी शेयर करिए भाई, और चैनल यदि नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लव एसोसिएटेड विद ऑक्सीटोसिन। चलिए, एक फीमेल में ऑक्सीटोसिन जो होता है, चाहे किसी भी पर्सन में जो ऑक्सीटोसिन होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनने वाला एक हार्मोन है, ठीक है। ये हार्मोन कलेक्ट हो जाता है, ठीक, और किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के इन्फ्लुएंस में ये रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में। और जब ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है तो ढेर सारे अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। चलिए वन बाय वन बात करते हैं, एक फीमेल में इसका क्या रोल है। एक फीमेल में मोस्टली आफ्टर द मैरिज इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो स्पर्म के प्रोपल्सन को का होता है, जो यूट्राइन कैविटी से होते हुए फॉलोपियन ट्यूब तक ले जाना होता है। भैया ज़िंदगी में लव नहीं है तो दुनिया ना चलेगी, इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम हियर। एक मैरिड फीमेल में जब तक कि कंसीव नहीं करती है तब तक उसका काम कंसीव करने को प्रमोट करना होता है, ठीक है। सब हाइपोथैलेमिक रेगुलेशन चल रहा है, अभी हम इसका कनेक्शन भी बताने वाले हैं कितना इम्पोर्टेंट होता है। दूसरे टर्मों में जब एक लेडी की डिलीवरी होने वाली होती है तो ऑक्सीटोसिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ऑस को डायलेट करना और एक डिलीवरी को प्रमोट करना। यानी दुनिया में कभी भी नॉर्मल डिलीवरी बिना ऑक्सीटोसिन के रिलीज किए नहीं हो सकती। फिर ध्यान रखिएगा, स्टिमुलस के इन्फ्लुएंस में ही वो ब्लड स्ट्रीम में आएगा। तीसरी बात समझिए, ऑक्सीटोसिन के रिलीज के बिना एक मदर अपने बच्चे को फीड नहीं करवा सकती है। यानी कि जब बच्चा मदर के ब्रेस्ट को टच करता है और मिल्क का रिलीज तब तक नहीं होगा जब तक पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन ब्लड स्ट्रीम में ना आए और वही उसको मिल्क के इजेकुलेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है भाई। और बाकी यदि जानना चाहेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में तो जब तक लव अफेक्शन केयर ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होंगी यदि ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन प्रॉपर ना हो रहा। अब आते हैं भाई फिलॉसफी की भाषा में। फिलॉसफी की भाषा ये बोलती है कि जब तक ऑक्सीटोसिन नहीं होगा तब तक दुनिया चल नहीं सकती है। एक मदर का कोरिलेशन समझिएगा बच्चे के टर्म में, ये तो सारी सृष्टि को चलाने के लिए है भाई। ऊपर वाले ने कितना गजब का कॉम्बिनेशन किया कि मेडिकल साइंस आज की डेट में समझ रही इस बात को, और ऊपर वाले ने इस तक कि माइन्यूट ऑफ द ग्राम का यदि चेंजेस आ गए तो सारी चीज़ें अल्टर्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो वो मदर जो प्रेगनेंसी टाइम में, या फिर ऐसे समझिए इनफर्टिलिटी का मेजर कॉज आप बता सकते हैं, इनफर्टिलिटी का मेजर कॉज इडियोपैथिक है, कोई बता ही नहीं सकता है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई, सारी रिपोर्ट हो गई, बच्चा पैदा ना हो रहा है। फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम ऑल्सो एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट, बट वाई फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल। अरे भैया शादी हो गई, सब कुछ हो गया, वो बेचारी स्ट्रेस में रह रही है, वो एंजाइटी में है, वो थोड़ी डिप्रेशन में है, वो मेंटली अपने को कंफर्ट की कंडीशन में नहीं पहुंचा पा रही है, तो ये जो ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस में स्पर्म का जो मूवमेंट होगा जो जाके फर्टिलाइजेशन को अचीव करवाएगा वो कहाँ से होगा। दिस इज़ द पॉइंट वेयर होम्योपैथी वर्क, कि एक फीमेल को उस मेंटल कंडीशन में लाना, और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम उस औरत की बात को समझेंगे नहीं, सो कॉल्ड उस कपल की बात को समझेंगे नहीं। बात यहीं तक नहीं रही।
एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, वो 9 महीने तक पेट में अपने बच्चे को रखती है, लेकिन उसके बाद से क्या होता है कि उसका जो बच्चे के लिए अटैचमेंट, कई बार ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द फीमेल, आप खुद महसूस करिएगा कि प्रेगनेंसी जस्ट लाइक बर्डन, सफरिंग हो जाती है, हे प्रभु कब इससे निजात मिलेगा, तो वो प्रेगनेंसी को एंजॉय नहीं करती वो फीमेल, उसको सफरिंग के तौर पे लेती हैं कि कहाँ जल्दी से छुटकारा मिले इससे। और जब इस तरह के स्टिमुलस बार बार आते रहेंगे तो वो नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट नहीं करेंगे, यानी कि जब समय आएगा कि लेबर पेन इंड्यूस हो, सफिशियंट लेबर पेन हो और फीटस बाहर आए, ऐसे कंडीशन में ऑक्सीटोसिन एब्सेंट हो जाएगा, कम हो जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, फिर LSCS करना पड़ेगा और सर्जरी से बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी पैरलर विथ हाई क्लास सोसाइटी, बड़े लोगों में ये चीज़ होती है, लगाव नहीं होता है, बच्चा पैदा होने पर बस हो जाए उस पेन को नहीं। और ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द लेबर पेन की सहने की टेंडेंसी को पैदा करता है, यानी कि जो लोग बोलते हैं आपको मालूम है ड्यूरिंग द डिलीवरी 100 हड्डियों के टूटने के बराबर पेन होता है, यदि ऑक्सीटोसिन ना हो तो औरत उस दर्द को झेल नहीं पाएगी, सो दैट्स वाई ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन देयर। और बात करते हैं भाई, बच्चा दुनिया में आ गया, डिलीवरी हो गई, चाहे वो सर्जिकल हुई चाहे वो नॉर्मल तरीके से हुई, डिलीवरी तो हो गई, सब कुछ हो गया, मिल्क का सिक्रेशन नहीं हो रहा है। अरे भाई वो फीलिंग जब आप महसूस करेंगी, वो अटैचमेंट आप महसूस करेंगी, तभी तो होगा, उस पेन जो लेबर पेन था उसके इन्फ्लुएंस से बाहर आइए, जब उसके इन्फ्लुएंस से बाहर आप आ जाएंगी और जब वो लगाव बच्चे से महसूस करेंगी, वो इमोशनल अटैचमेंट जब बनेगा बच्चे से, तब जाके मिल्क का सिक्रेशन होता है। अगेन द स्टिमुलस इज वर्किंग, आप पेन को प्रायोरिटी दे रही हैं या फिर उस प्लीजर फीलिंग को प्रायोरिटी दे रही हैं कि हमें बच्चे को फीड कराना है। यदि वो प्लीजर की फीलिंग डोमिनेटिंग फॉर्म में है और पेन सबसाइड हो चुका है, दोनों में एक चीज़ डोमिनेटिंग फॉर्म में होगा, आइदर पेन और प्लेजर। लेबर पेन से आप गुजरी, यस इट्स ओके, पेन हो रहा है, लेकिन उस प्लेजर से आप गुजर रहे हैं कि चलो मेरा बच्चा दुनिया में आ गया है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वो प्लेजर ज़्यादा डोमिनेटिंग फॉर्म में होगा और प्लेजर विल बी द स्टिमुलस जो ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन को फिर इन्हेंस करेगा और फिर मिल्क सिक्रीशन को बढ़ा देगा। हाउ ब्यूटिफुली गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बॉडी। हम आप और या फिर मेडिकल साइंस तो बस केवल केमिकल रिएक्शन और बाकी सब चीज़ों में चलती रहती है, तो लव क्या है, हमारे बॉडी में होने वाला एक केमिकल रिएक्शन है, और यदि सही तरीके से उसे मैनेज कर लिया जाए तो दुनिया चलती रहेगी बिना किसी दर्द के, बिना किसी परेशानी के। ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, लव कभी भी पैदा नहीं किया जा सकता, वो फीलिंग है और लव इज अनकंडीशनल, सो दैट्स वाई इफ यू आर expecting a love towards your partner or someone else, then you should also dedicate for that love and affection for him also or her also. ये पैदा नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, so that's why love की feeling को समझिए और बिना इसके दुनिया चल नहीं सकती है। थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो को देखने के लिए, अच्छा लगे तो बाकी लोगों को भी शेयर करना दोस्त, और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल। थैंक यू वेरी मच।